इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 54 एंड टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। हमारा न्यू टॉपिक है तो हम आज इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन इज कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स व्हिच आर जॉइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड्स व्हिच मींस समथिंग डिफरेंट देन द ओरिजिनल टू वर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स उसे कहते हैं जैसे वहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से हम टू वर्ड्स ऐसे ज्वाइन करेंगे, टू वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे और उन टू वर्ड्स के मिलेंगे एक और न्यू वर्ड से बनेगा, यानी कि टू वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक न्यू वर्ड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, टीचर आपको जैसे एक वर्ड देती है सनफ्लावर। सनफ्लावर आपको पता है फ्लावर को कहते हैं, ठीक है, सनफ्लावर मीन्स आपको पता है कि फ्लावर होता है येलो कलर, ठीक है। अब इस सनफ्लावर के अंदर आप देखेंगे आपको डिफरेंट टू वर्ड्स ही मिल सकते हैं। लुक एट हियर सन, ठीक है, सन एंड फ्लावर, ये हमारा सिंपल फ्लावर हो गया। ठीक है, अब आपने देखा सन एंड फ्लावर ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। सन किसे कहते हैं? हम सूरज को कहते हैं, एंड फ्लावर हमारा कोई भी नॉर्मल फ्लावर भी हो सकता है। ठीक है, जब हमने सन एंड फ्लावर वर्ड की बात करी है, टीचर चीज़ों की बात नहीं करी, जब हमने सन एंड फ्लावर को टुगेदर किया, ठीक है, जब हमने इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया, इन दोनों वर्ड्स को हमने जब ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या वर्ड बना था? सनफ्लावर। और आपको पता है कि सनफ्लावर भी हमारा एक प्रॉपर फ्लावर होता है, ठीक है, येलो कलर का। तो इसके अंदर हमने कौन कौन से वर्ड ज्वाइन करे? हमने सन को ज्वाइन किया एंड फ्लावर को, तो हमारे पास वर्ड बन गया था सनफ्लावर। ओके, तो अब आप सेकंड एग्जांपल देखेंगे, मैं आपको अनदर एग्जांपल देती हूँ। लुक एट हियर स्टार, ठीक है, व्हाट इज दिस स्टार? एंड यहाँ मैं बनाती हूँ, ठीक है, व्हाट इज दिस फिश? ठीक है, व्हाट इज दिस स्टार एंड व्हाट इज दिस फिश? तो लुक एट हियर, ठीक है, हमारे पास क्या वर्ड्स थे? स्टार एंड फिश। जब हमने स्टार एंड फिश वर्ड को ज्वाइन किया तो हमारे पास वर्ड क्या बन गया? स्टार फिश। स्टार फिश पता है आपको, एक फिश का नेम होता है स्टार फिश, ये फिश है ये, ठीक है, एक तो हमारे पास सिंपल फिश होती है, बट जब हमने स्टार वर्ड को और फिश को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास वर्ड बन गया स्टार फिश। एंड आपको पता है सी एनिमल में एक और एनिमल भी है, मतलब सी एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर फिश हो गए, डॉल्फिन हो गए, और फिश भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो वहाँ पास एक फिश बन गई स्टार फिश। जब हमने स्टार एंड फिश को ज्वाइन किया तो वहाँ पास क्या कंपाउंड वर्ड बना? स्टार फिश। जो इस तरह से जब वर्ड को हमने टुगेदर किया तो वहाँ पास जो वर्ड बना है स्टार फिश, इसे कहेंगे हम कंपाउंड वर्ड्स, बिकॉज इसके अंदर हमने टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया। जब हमने टू वर्ड्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास न्यू वर्ड आ गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका? कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है, नीचे क्या है? ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। अब आप यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ एडिशन का साइंस दिया है, इट्स मीन कि आपने इन टू वर्ड्स को ज्वाइन करना है और आपने न्यू वर्ड बनाना है। लुक एट हियर, व्हाट इज दिस कप? कप एंड द केक, ठीक है, ये कप है, दिस इज कप एंड दिस इज केक। जब हमने कप एंड केक को ज्वाइन करा, ठीक है, जब हमने दो वर्ड्स को टू वर्ड्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास कप एंड केक को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या वर्ड बना? कप केक। लुक एट हियर, ये जस्ट कप है, ये जस्ट कप है एंड ये जस्ट केक है। जब हमने कप एंड केक को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या वर्ड बना? कप केक। और अब आप देख रहे हैं कि कप केक क्या है, ठीक है, दिस इज कप केक। तो हमने जब टू वर्ड्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास न्यू वर्ड बना और न्यू पिक्चर भी आ गई, ठीक है। ओके, नाउ अब ये हमारा वर्क है, लुक एट हियर लंच, व्हाट इज दिस लंच? लंच
एंड वॉट इज दिस बॉक्स, लुक एट योर लंच बॉक्स. जब हम लंच एंड बॉक्स, लंच क्या होता है, जो हम लंच दोपहर में हम कुछ भी जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लंच. एंड बॉक्स मीन्स डब्बा, जो सिंपल डब्बा होता है हमारा बॉक्स. ठीक है, जब हम लंच को और बॉक्स को ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास क्या वर्ड बनेगा, लंच बॉक्स. व्हाट इज दिस लंच बॉक्स, देखिए इसमें लंच भी है एंड ये बॉक्स भी है, लंच बॉक्स. सो हम यहाँ पे इन टू वर्ड्स को ज्वाइंट कर लिख देंगे, लंच बॉक्स. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये प्रोसेस सारा क्या है, कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स में हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइंट करके न्यू वर्ड्स बनाते हैं. ठीक है, ओके. विच पिक्चर इज दिस बटर, विच पिक्चर इज दिस बटर. बटर आपको पता है मक्खन होता है जो हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, बटर. एंड दिस पिक्चर इज फ्लाई, जो हमारे नॉर्मली घरों में फ्लाई यानी कि जो मक्खियाँ उड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लाई. बटर एंड फ्लाई, जब हम बटर एंड फ्लाई को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या न्यू वर्ड बनेगा, बटरफ्लाई. ठीक है, हमने इन यहाँ पर टू वर्ड्स को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास न्यू वर्ड बन गया बटरफ्लाई. इस तरह से इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स में टू वर्ड्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और एक न्यू वर्ड बन जाता है. ओके, लास्ट पिक्चर इज व्हाट इज दिस स्टार, स्टार. एंड दिस पिक्चर इज फिश. ठीक है, स्टार एंड फिश को जब हम ज्वाइन करेंगे सो हमारे पास वर्ड बन जाएगा स्टार फिश. लुक एट हियर, दिस इज स्टार फिश, स्टार फिश. ठीक है, हमने कंपाउंड वर्ड्स में क्या करा, टू डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने न्यू वर्ड बनाया और इसे इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स. ये जो इस तरह के वर्ड्स बनते हैं जिनके अंदर ये वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, इनके अंदर टू डिफरेंट वर्ड्स ज्वाइन हुए होते हैं. थैंक यू. दिस इज योर इंग्लिश वर्क बुक, ओपन एट पेज नंबर 54. This is your classwork. So mention here CW and today's date is 14 January. ठीक है, compound words, join the words to make a new words. हमने two words को join करना है और new word बनाना है. This is cup and this is cake. Cup and cake को join हमने किया तो हमारे पास क्या word बन गया, cup cake. Same ऐसे ही this is lunch and this is box. Lunch box. Lunch box को जब हमने join किया तो lunch box एक वर्ड बन गया जो आप लोग स्कूल लेकर आते हैं. ठीक है, लंच बॉक्स कंपाउंड वर्ड बन गया. नेक्स्ट वर्ड इज़ बटर एंड द अदर वर्ड इज़ फ्लाई, बटर फ्लाई. जब हमने बटर एंड फ्लाई को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या वर्ड बना, बटर फ्लाई. दिस इज कंपाउंड वर्ड. ठीक है, लास्ट वर्ड इज स्टार एंड द अदर वन इज फिश, स्टार फिश. जब हमने स्टार एंड फिश को ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या वर्ड बन गया, स्टार फिश. ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स बन गए सर. ठीक है, थैंक यू. ओके, सो नाउ दिस इज योर होमवर्क, इंग्लिश वर्कशीट पेज नंबर 32. ओके, दिस इज योर इंग्लिश वर्कशीट, ओपन इट पेज नंबर 32. मेंशन हियर HW and today's date is 14 January. Join the words to make a new compound words. ठीक है, यहाँ पर हमने join करना है words को और new compound word हमने एक बनाना है. Look at here, basket, bowl. Basket आपको पता है basket के अंदर हम चीज़ें रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, basket. और bowl हमारे पास जो हम लोग cricket खेलते हैं तो उसके अंदर bowl use करते हैं. Basket and bowl को जब हमने join किया तो हमारे पास new word क्या बना, basketball. बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एक डिफरेंट बॉल है. ठीक है, बास्केटबॉल. नेक्स्ट वर्ड इज जेली, जेली जो हम लोग चीज़ वगैरह आप लोग लेकर आते हैं तो उसके अंदर जेली वगैरह आप लोगों को पसंद होती है, आप लोग खाते हैं जेली, तो ये जेली है. एंड फिश, ठीक है, जो फिश आपको टीचर ने बताई थी सिंपल फिश जो थी, जब हम जेली एंड फिश को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास वर्ड बनेगा जेली फिश.
जैसे जब हमने स्टार एंड फिश को ज्वाइन किया था तो हमारे पास स्टार फिश बनी थी, अब हमने जेली एंड फिश को ज्वाइन किया था हमारे पास जेली फिश बन गई, एंड दिस इज जेली फिश। आप देखना जेली फिश का लुक कैसा है, स्टार फिश का लुक स्टार में था एंड जेली फिश का लुक ये है, दिस इज जेली फिश। नेक्स्ट वर्ड इज बटर। बटर क्या है जो आप लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, बटर। एंड फ्लाई क्या है, फ्लाई जो नॉर्मली हमारे घरों में होती है मक्खी, ठीक है। बटर एंड फ्लाई का जब हमने ज्वाइन किया था हमारे पास वर्ड बना बटर फ्लाई, बटरफ्लाई, दिस इज बटरफ्लाई। नेक्स्ट वर्ड इज डॉग। डॉग आपको पता है एनिमल है जो नॉर्मली हमारे रोड्स वगैरह पे हमने नज़र आता है डॉग, एंड दिस वन इज हाउस। हाउस जो हम जिसमें हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हाउस। डॉग एंड हाउस को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास वर्ड बन गया डॉग हाउस, एंड दिस इज डॉग हाउस, ठीक है। आप देख रहे हैं छोटा सा हट बना हुआ, आपने कार्टून्स में देखा होगा इस तरह से डॉग हाउस बना हुआ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अर्थ। अर्थ किसे कहते हैं, ज़मीन को जिसके ऊपर हम लोग चल रहे होते हैं, ठीक है, ज़मीन। एंड वॉर्म, वॉर्म कहते हैं कीड़े को कहते हैं। अर्थ एंड वॉर्म को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास वर्ड बन गया अर्थ वॉर्म, ठीक है, अर्थ वॉर्म, दिस इज अर्थ वॉर्म, ये अर्थ वॉर्म है, ठीक है। जो छोटा सा स्मॉल साइज का स्नैक होता है ना जो हमें अक्सर प्लांट्स में नज़र आता है पौधों में, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अर्थ वॉर्म, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड्स ज्वाइन हो गए, जब हमने इन वर्ड्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गए, तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं, कंपाउंड वर्ड्स। ये आपका होमवर्क है, इसको बहुत अच्छे से नाइसली समझ के वर्क कीजिएगा। थैंक यू।